नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, जैसे सभी का आप सभी के कमेंट हमने देखे हैं, तो आप यहां पर बोल रहे थे जो ग्राम स्तर पर युवाओं के लिए जो नई सरकारी योजना है, जिसमें ट्रेनिंग फ्री ट्रेनिंग है, पैसा सर्टिफिकेट भोजन आवास निःशुल्क है 8वीं पास वालों के लिए, तो उसका ऑनलाइन आवेदन हमें लाइव करके बताइए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, जो कि उसकी लास्ट डेट 29 तारीख है और आज 27 तारीख हो चुके हैं। तो हम उसका आज ऑनलाइन आवेदन आपको करके बताने वाले हैं, पूरी लाइव प्रोसेस बताएंगे एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने का आपको एक भी पैसा नहीं देना है, जो भी हमारी अपडेट आती रहेगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर क्लिक कर देना। आपको मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है crisponlineservice.com। ठीक है, इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको कौन से विवेक ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 40 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिख रहा है, न्यू यूजर क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। तो चलिए हम फटाफट अपनी जानकारी यहाँ पर डिटेल भर देते हैं। तो यहाँ पर हम अपना नाम डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप एमपी आपका डला डला लगेगा। अगर आप दूसरे जिले के हैं तो दूसरे जिला यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एमपी से एमपी कर लेते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर के बाद हम अपनी ईमेल आईडी को डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी डाल देते हैं। चलिए फटाफट ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर यूजर नेम, अब आप यूजर नेम किस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हैं, पहला कैपिटल में लिखना है, बाकी सब स्मॉल में लिखना है, @ लिख देते हैं, कोई भी नंबर सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, तो पासवर्ड भी आप इस प्रकार से ही रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये अवेलेबल रहेगा तो इस प्रकार से बता देगा एंड यहाँ पर आपको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपना कोई भी एक डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर देना है, रेंटर पासवर्ड करना है। रेंटर पासवर्ड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सेव वाला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर सेव का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो से जैसे ही सेव पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होने लगा है। आपकी आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेलकम दीपेश हमारा नाम यहाँ पर आने लगा है, लॉग आउट का ऑप्शन देने लगा है पूरा कुछ इस प्रकार से। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आवेदन का प्रिंट आउट अभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण है तो आवेदन पत्र, तो यहाँ पर हम अगर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का दी जाएगा, जिसमें स्टार लगा हुआ है उसे सारे क्षेत्र को भरना है और आपको पूरा क्या है हिंदी में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर प्रशिक्षण हेतु वरिष्ठ क्रम में व्यवसाय का चयन, मतलब जिसमें आपको रुचि ज्यादा है उसको पहले सिलेक्ट करना है, फिर दूसरे और तीसरे, टोटल यहाँ पर आपको 3 नाम सिलेक्ट करना है। ठीक है, कितना नाम सिलेक्ट करना है, 3, तो यहाँ पर 1, 2 एंड, ठीक है, पहले हमने 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 नाम सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आवेदक का पूरा नाम डाल देना है एंड यहाँ पर पिता का नाम जो है वो डाल देना, लिंग सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लिंग सिलेक्ट कर लें, तो उसके बाद श्रेणी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो कौन सा श्रेणी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना जिला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना जिला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप जिस भी जिले के अंतर्गत आते हैं आपको वो जिला सिलेक्ट करना है, हरदा के अंतर्गत आते हैं तो हमने हरदा सिलेक्ट कर लिया है। आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर आपको जन्मतिथि सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जन्मतिथि के बाद यहाँ पर आपको और शैक्षणिक योग्यता, अब आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, जो भी आप हो शैक्षणिक योग्यता जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसे कर देना है। तकनीकी या अन्य योग्यता, जैसे आपने आपके पास कोई डिप्लोमा है उसे अपलोड कर देना है। अगर आपके पास HTSC का प्रमाण पत्र है, निःशक्त जन का प्रमाण पत्र है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको डाल देना है, मूल निवासी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है,
राशन कार्ड की छाया प्रति डाल देनी है, वोटर परिचय पत्र, आधार कार्ड की कॉपी डाल देनी है, शैक्षणिक योग्यता के प्रति यहाँ पर आपको डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पर जो जो आपको मांग रहा है वो आपको यहाँ पर जो है वो एंटर करते जाना है। ठीक है, सारी फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रेल डाउन करना है। अव्यवसाय मतलब आप इसमें प्राप्त, यदि आपने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आपने अगर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका नाम डाल देना, संस्था का नाम, प्रशिक्षण की अवधि डाल देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको जरूर से क्लिक कर देना। इसमें क्या लिखा, चलिए हम पढ़ के बता देते हैं। मैं शपथकर्ता घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है, तथा मैं आपके विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करूंगा, तथा प्रशिक्षण अवधि में, प्रशिक्षण सत्र में प्रवेश के उपरांत प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर जाने की स्थिति में मेरे ऊपर व्यय की गई राशि समस्त राशियों की वसूली मुझसे ही की जाएगी। यदि मेरे द्वारा, मैं शासन के सभी नियमों का पालन करूंगा, इसके पूर्व मेरे द्वारा किसी भी शासकीय निकाय से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया। आवेदक जो भी आवेदन करता है उसकी यहाँ पर आपको फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने, ठीक है, यहाँ पर फोटो अपलोड कर देनी। उसके बाद सुरक्षित करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे, आपका आवेदन फॉर्म है जो वो सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप इसका प्रिंटआउट लेना चाहते हैं तो इसका प्रिंटआउट भी आप जरूर से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सुरक्षित करें पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है वो अपना आवेदन, आपने जो किया है आवेदन, उसका प्रिंटआउट यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, प्रिंटआउट आवेदन फॉर्म। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर आपने सेव किया होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपना आवेदन क्रमांक जैसे ही डालेंगे उसे आप अपना प्रिंटआउट जो है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।